फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन में घूम रही थी और घूमते हुए जब मैं इस प्लांट के पास से गुजरी तो इसकी खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ में शेयर करूं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये है मधुकामिनी, जिसका मैं बोनसाई बना रही हूँ। ये बहुत पुराना तो नहीं है, 1.5 साल पहले मैंने इसको लगाया था, तो ये धीरे धीरे बोनसाई का रूप ले रहा है। नीचे मैंने DIY हट से इसको सजाया है, साथ में एक डेकोरेटिव गार्डन पीस भी रख दिया है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। चलिए इसके दूसरे साइड पे भी एक नज़र मार लेते हैं। ये जो मैंने हट बनाया हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ एक DIY है, जो कि एक प्लास्टिक स्पून से बना है। और ये इसके खूबसूरत सफ़ेद कलर के खुशबूदार फूल, बहुत प्यारे लगते हैं इसके फूल। और आप देख सकते हैं पूरे कलियों से भरा हुआ है ये प्लांट। जब इसमें पूरी ब्लूमिंग होंगी तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। इसका अंग्रेजी नाम है मोराया पैनिकुलेट। यूँ तो मधुकामिनी एक सदाबहार झाड़ी नुमा पौधा होता है और ये 5 से लेकर 15 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं इसका बोनसाई बना रही हूँ तो मैं इसकी हाइट इतना ही रखूँगी। फूल खिल जाने के बाद इसमें फल भी बनते हैं, छोटे छोटे नींबू के जैसे फल होते हैं और बाद में वो लाल कलर के हो जाते हैं और उनमें 2 बीज मिलते हैं, उनसे हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये मैंने एक दूसरे गमले में लगाया हुआ है, इसका भी मुझे बोनसाई बनाना है। अभी मैंने इसको सिंपल गमले में रखा हुआ है, ये 10 इंच का गमला है, और अभी बरसात में मैं इसको एक बोनसाई पॉट में शिफ्ट करूँगी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी तब। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय।